तो नमस्ते, चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बुध के बारे में बात करेंगे, मरकरी के बारे में बात करेंगे। जो हम लोग बात करते आ रहे हैं, बुध अगर पहले घर में बैठा हो तो क्या रिजल्ट देगा, हमने एक से लेकर 11 राशि तक की बातें हमने कर ली है, मतलब एरी से लेकर एक्वेरियस लगन तक की बातें कर ली है। अब पाइसेस रह गया है, पाइसेस मतलब अखबारवा घर। अगर आपका लगन पाइसेस का है और पाइसेस में पहले लगन में अगर बुध बैठे हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बुध देखिए पाइसेस में अगर बैठे हैं, पहले घर में बैठे हैं, लगन में बैठे हैं, तो उस कारणवश बुध यहाँ पे डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। 12वें घर में बुध नीच के हो जाते हैं। 12वां घर मोक्ष का होता है। 12वां घर से अगर आप देखें तो स्पिरिचुअलिटी और फॉरेन ट्रैवल्स को लेके देखते हैं। अगर हम एक्सपेंसेस देखें तो 12वें घर से देखते हैं। अपनी पर्सनैलिटी का एक्सपेंसेस भी हो सकता है 12वें घर से, हम होता है कि अपनी 12वें घर से देखते हैं। तो बुध अगर पाइसेस लगन में, यहाँ पे 12वां घर नहीं है, ये लगन ही 12वां है, तो 12वें घर में अगर लगन में बुध पहले घर में बैठ जाए तो बुध डेबिलिटेटेड होके बैठते हैं, मोक्ष घर में बैठे हुए हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी और धर्म के बारे में सोचते हैं तो आपके लिए बुध अच्छा कारक होगा, अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट इस पर इफेक्ट ना कर रहा हो, एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, या कंजंक्शन में ना हो, साथ में ना बैठा हो, या दृष्टि ना दे रहा हो, तो बुध यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। मोक्ष के रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड, ज्ञान को लेकर आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। थोड़ा भुगताएंगे लेकिन अच्छा रिजल्ट देंगे। बुध पाइसेस लगन में 4थे घर के और 7वें घर के मालिक होते हैं। 4था घर माता का, कन्वीनियंस का, सुख का घर होता है। आपसे अपनी खुद की मेहनत से सुख होता है वो, और माता के केयरिंग को लेकर अगर बात करें तो 4था घर होता है। और 7वां घर होता है पार्टनरशिप, बिजनेस और दूसरी चीजों को लेके होता है। क्राउड का घर होता है, जनता का घर होता है। और एक हद से देखा जाए तो लिटिगेशन का भी घर आप मान सकते हैं, 7th हाउस को मान सकते हैं। तो इन सब चीजों से रिलेटेड होते हैं। उस घर का मालिक होके वो पहले घर पे बैठा है, हो सकता है आपको पार्टनरशिप में दिक्कत आए। आप अगर मैरिड हो तो आपके पार्टनर की हेल्थ खराब हो, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंडल्जेंट हो, अगर आपका बुध पहले घर में बैठा हो। माता के साथ हो सकता है रिलेशनशिप थोड़ा सा ख़राब हो, या उनके साथ रिलेशनशिप ख़राब हो, या उनका हेल्थ ख़राब हो, या उनके साथ बातचीत ना हो रही हो, या माता का प्रेजेंस ना हो आपकी लाइफ में, ये भी कर सकता है। अगर कोई ख़राब प्लैनेट देख रहा है तो बिल्कुल ये इफ़ेक्ट्स आएगा ही आएगा। साइमल्टेनियसली अगर आपको घर प्रॉपर्टी बनाना है तो इजीली नहीं बन पाएगा, मेहनत करेंगे तभी बनेगा, वो भी अगर कोई ख़राब प्लैनेट ना देख रहा हो तो। अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए इस बुध पे तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई क्रूर प्लैनेट या कोई नेगेटिव प्लैनेट की दृष्टि पड़ती हो तो ये बुध अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे आपको। तो 7वें पहले घर में बैठा हो बुध पाइसेस लगन में, आप अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं या संन्यास की तरफ जाते हैं, या अगर आप जिंदगी को, आपके साथ एक्सपीरियंस बहुत जल्दी जल्दी होंगे, आपको नॉलेज बहुत जल्दी जल्दी मिलेगा, और उन नॉलेज को लेने के बाद जब आप थक जाएंगे जी कि इसके बाद क्या, उसके बाद आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट हो तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम देगा, इसलिए क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में भी आपको फुल फ्लेज नहीं जाने देगा। तो आपको और अपने इमोशनल को थोड़ा सा, आपको अपने इमोशंस को भी थोड़ा सा संभाल के, डीप थिंकिंग में आप जाते हैं तो डीप थिंकिंग को आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बुध और गुरु यहाँ बैठे हुए आपको नॉलेजेबल और कैलकुलेटिव बनाते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा आप डीप थिंकिंग में चले जाते हैं, जैसे अगर मून अगर कहीं डेबिलिटेटेड बैठा हो या ख़राब हो, तो जैसे मन खराब होता है तो यहाँ दिमाग खराब होता है। दिमाग थोड़ा खराब नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाता है आदमी, और उन्हीं चीज़ों को सोचता रहता है, और वो चीज़ नहीं होती तो और निराश होता चला जाता है। इसी कारणवश हो सकता है संन्यास में आपको इसका प्रोडक्टिविटी मिले। तो बुध यहाँ पर बैठे हुए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर आप सोसाइटीज में किसी का वेलफेयर करना चाहते हैं, ज्ञान आपके पास काफ़ी होगा तो उसमें आपको बेनिफिट देगा, लेकिन दूसरी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम देगा। तो 7वें घर से रिलेटेड और 4थे घर से रिलेटेड बुध यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अगर अच्छे प्लैनेट की दृष्टि है तो अच्छी बात। दूसरा पॉइंट, बुध के उपाय ज़रूर करिए इस पोजिशन में। बर्ड फीडिंग ज़रूर करिए, हरी चीज़ों का दान प्रोवाइड करिए, तभी आपको बुध यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा। ये था मेरा रिजल्ट कि अगर बुध आपके 12वें घर में हो, पाइसेस लगन में हो, तो क्या रिजल्ट देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू।